भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागाड़े के अपमान मामले में भारत की सख्ती का हुआ असर। अमेरिका ने देवयानी के अपमान की घटना पर जताया खेद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शंकर मेनन को किया फोन। देवयानी के अपमान पर जताया अफसोस। अमेरिका के खेद जताने के बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह संतुष्ट नहीं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने देवयानी के अपमान को बताया साजिश। भारतीय राजनयिक देवयानी के अपमान पर बोले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा अमेरिका में राजनयिक का अपमान किसी भारतीय की साजिश नहीं। भारतीय कंस्पिरेसी हो नहीं सकती तो और फिर क्या हो सकती है? और कंस्पिरेसी का मतलब ही नहीं कि राष्ट्रपति से नीचे सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है। देवयानी के अपमान मामले में अमेरिका के खेद जताने के बाद बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, कहा राज्यसभा में उठाएंगे पूरा मामला। बीजेपी के बाद जेडीयू और एनसीपी ने भी देवयानी मामले पर उठाए सवाल, पहले अपमान और फिर अमेरिका के खेद पर उठाई शक की उंगली। अमेरिका के खिलाफ उठाए सख्त कदमों को आज से होना है लागू। अमेरिकी कांसलर डिप्लोमैट और परिवार को एयरपोर्ट के पास सरेंडर करने के आदेश। देवयानी खोबरागाड़े मामले में सरकार का बड़ा कदम, भारतीय दूतावास से हटाकर यूएन भेजा गया, अब मिलेंगे पूरे राजनयिक अधिकार। देवयानी के पिता ने कहा सरकार का सख्त कदम लेना बिल्कुल सही, केस वापस लेने और माफी मांगने तक नहीं रुके भारत सरकार। टोगो की जेल में कैद कैप्टन सुनील जेम्स हुए रिहा, अब बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे जेम्स। 2 दिसंबर को हुई थी बेटे की मौत। मुंबई के अस्पताल में रखा है सुनील जेम्स के बेटे का शव। 11 महीने के बेटे की मौत के बाद पत्नी ने कहा था पिता के आने के बाद ही होगा अंतिम संस्कार। 5 महीने से टोगो की जेल में कैद सुनील जेम्स के साथ विजयन को भी किया गया रिहा, दोनों पर था समुद्री लुटेरों की मदद का आरोप। कैप्टन जेम्स की रिहाई के लिए भारतीय उच्चायुक्त ने की थी टोगो के राष्ट्रपति से मुलाकात, उसके बाद ही रिहा किया गया जेम्स और विजयन। एंड आफ्टर डिस्कशंस विद द प्रेसिडेंट ऑफ टोगो, the two Indian sailors, Captain Sunil James and Mr. Vijayan had been released. आज तक से खास मुलाकात में अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली की जनता चाहेगी तभी बनाएंगे सरकार। इस एक्सरसाइज के बाद जैसे 270 सभाएं होंगी दिल्ली के अंदर, फिजिकल सभा होंगी, जनता आएगी, उन सभाओं में जनता आके बताएगी तो उन सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आज तक पर केजरीवाल ने रखा आम आदमी पार्टी का एजेंडा, कहा 4 महीने के अंदर करवाएंगे बिजली कंपनियों के ऑडिट, तेज चलने वाले मीटरों और अनाप शनाप बिजली बल की होगी जांच। केजरीवाल के 18 शर्तों पर बीजेपी के 14 सवाल, जनता को साफ साफ क्यों नहीं बताते सरकार बनाएंगे या नहीं। हर्षवर्धन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, बोले जनता को सीक्रेट डील की जानकारी दें दोनों नेता। दिल्ली में सरकार बनाने के मामले पर आम आदमी पार्टी को पहले दिन मिले 5 लाख से ज्यादा लोगों के वोट, ज्यादातर लोग सरकार बनाने के पक्ष में। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा छिछोरी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, हमने उनकी संख्या पूरी कर दी, अब वो आसमान से तारे तोड़ने वाले वादे पूरे करें। केजरीवाल पर शिवसेना का हमला, पार्टी के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने जनता से रायशुमारी को बताया नौटंकी।
45 साल बाद संसद में पास हुआ लोकपाल बिल, मंजूरी के लिए भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। लोकपाल बिल पास होते ही रालेगढ़ सिद्धि में जश्न का माहौल, अन्ना हजारे ने सबको कहा शुक्रिया। सरकार चीनी मिलों के लिए 7200 करोड़ का राहत पैकेज देने की तैयारी में, आज कैबिनेट में हो सकता है फैसला। चीनी मिल मालिकों को लोन दिए जाने की होगी शर्त, किसानों का बकाया चुकाने में पैसे का हो इस्तेमाल। वसुंधरा राजे आज कर सकती हैं मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान, दाखी मंत्रियों को लेकर दुविधा। सीबीआई को बड़ा झटका, आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से पूछताछ की नहीं मिली इजाजत। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती में घोटाला, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और राजभवन के ओएसडी के खिलाफ केस दर्ज। रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे धोनी के बड़े भाई नरेंद्र धोनी, समाजवादी पार्टी में हुए हैं शामिल। विवादों में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक गांगुली को मिली धमकी वाली चिट्ठी, पद छोड़ने की मांग। एयर इंडिया के पायलट्स की लापरवाही की हद, एयरपोर्ट में 6 घंटे इंतजार करने को मजबूर यात्री, पायलट कर रहे थे पार्टी। जसिका लाल हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा पैरोल पर रिहा, पीजी इम्तिहान के लिए 9 दिनों की मिली छुट्टी। मनु शर्मा के चंडीगढ़ जाने पर लगी है रोक, दिल्ली में इम्तिहान देने का निर्देश। नॉर्थ ईस्ट की लड़की से रेप के आरोपी ने की खुदकुशी, 3 महीने बाद शिकायत लेकर सामने आई थी पीड़ित। दिल्ली पुलिस की चौकसी से बच गईं 3 लड़कियां, 15 दिसंबर की रात 3 अफगानी कर रहे थे पीछा। नोएडा के सेक्टर 20 में एक बुजुर्ग ने अपनी पड़ोसी को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लुधियाना में पुलिस अधिकारी की गाड़ी के चपेट में आया नौजवान, 1.5 किलोमीटर तक घिसटने के बाद दर्दनाक मौत। नौजवान के स्कूटर के पीछे दूसरे स्कूटर पर आ रहे थे पिता, शोर मचाने पर भी नहीं रुके एएसआई अश्विनी कुमार। कोलकाता में चलती कार में लगी आग, 2 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग। पटना सीरियल ब्लास्ट में शामिल आतंकी इम्तियाज को लेकर एनआईए की टीम पहली बार पहुंची रांची, संदिग्ध ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारूदी सुरंग फटने से 2 बच्चे घायल, चुनाव के दौरान माओवादियों पर बम बनाने की आशंका। घर के बाहर से खेल रहे बच्चे बने बारूदी सुरंग का शिकार, जगदलपुर अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के सीहोर में जहरीले बीज खाने से 9 बच्चे बीमार, 6 से 10 साल के हैं बच्चे। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस जारी, स्कूल के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेंगे 70 पॉइंट्स। अब नर्सरी एडमिशन में दखल नहीं दे पाएगा स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन का कोटा खत्म। पहले से पढ़ रहे बच्चे के भाई बहन को मिलेंगे 20 पॉइंट्स, अगर माता पिता उस स्कूल में पढ़े हों तो मिलेंगे 5 पॉइंट्स। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर में ऑटोमेशन तकनीक का शानदार प्रदर्शन, 20 दिसंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। आज राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव, ललित मोदी भी मैदान में।